हेलो बच्चों, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर है साउंड। आज का वीडियो बहुत अच्छा है और आप इसे नोट करिए, अच्छी तरह समझिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उनको आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये चैप्टर हमारा अच्छी तरह समझा। तो शुरू करने से पहले, जिन बच्चों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनके लिए शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर साउंड। तो बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ेंगे साउंड क्या है, वेव मोशन क्या है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, टाइप्स ऑफ वेव्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, और लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के ह्यूमन ईयर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑफ गिटार स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ लेबिया, वाइब्रेशन ऑफ मेटल बेल ऑफ अ टेम्पल, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कोर्ड वाइल स्पीकिंग एटसेट्रा। वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू दीज ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट वाइब्रेशन। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू साउंड एनर्जी। वी कैन देयर फोर से दैट साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेशन से मीडियम में डिस्टरबेंस होता है और ये डिस्टरबेंस जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें सुनाई देता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो वोकल कॉर्ड है उसमें वाइब्रेशन होता है और साउंड बाहर निकलती है। जैसे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जब ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड क्रिएट होती है। ये वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड में मेम्ब्रेन होती है। ये जब एयर बाहर निकलती है लंग से तो ये वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है मेम्ब्रेन के अंदर और आवाज निकलती है। जो साउंड वेव मूव करती है तो उसको बोलते हैं वेव मोशन। तो इसकी डेफिनेशन है, अ वेव इन विच एनर्जी इन अ मीडियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बाय पीरियडिक वाइब्रेशन इज द पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजिशन इज कॉल्ड वेव मोशन। अब देखो, वेव मोशन यहां दिखाया है। पानी के अंदर अगर कोई पेबल डालें, पत्थर डालें, तो इस तरह सर्कुलर पाथ में वेव क्रिएट होती हैं जो किनारे तक पहुंचती हैं। या पत्थर डालेंगे तो वेव ऐसे इधर इधर जाएंगी चारों तरफ। तो ये क्या हो रहा है, वेव मोशन में है तो क्या हो रहा है, वेव मोशन। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड निकलती है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड प्रोपोगेट्स इज कॉल्ड मीडियम। जिस मीडियम में या जिस सब्सटेंस में साउंड मूव करती है, चले साउंड, उसको बोलते हैं मीडियम। जैसे एयर भी मीडियम है। मीडियम तीन तरह के होते हैं जिसमें साउंड ट्रेवल करती है। एक है एयर, दूसरा है लिक्विड, कोई भी लिक्विड, और तीसरा है आपका सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में साउंड प्रोपोगेट करती है। सॉलिड में सबसे फास्ट स्पीड होती है, लिक्विड में उससे कम और एयर में सबसे कम। और स्पेस में जहां मीडियम नहीं होता वहां साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती, साउंड नहीं चलती। स्पेस में अगर आप बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। जैसे ये फॉर्क दिखाया है,
ये लैब में होता है आपके स्कूलों में। तो ये प्रॉन्ग है, ये यहां से पकड़ा जाता है, जब यहां पर हिट किया जाए तो ये इसके आगे के जो प्रॉन्ग हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और एक साउंड निकलती है। वेव, अ वेव इज ए डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन। अपने मीन पोजिशन से जब पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है तो वेव बनती है, और ये वेव आगे डिस्टरबेंस के रूप में आगे बढ़ती है। एग्जाम्पल है, इफ वी ड्रॉप ए स्टोन ऑन स्टिल, यानी रुका हुआ स्टिल वाटर इन ए पॉइंट, रिपल्स आर फॉर्म्ड एंड दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर वाटर वेव। जैसे अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया था, पानी में पत्थर डालेंगे तो सर्कुलर वेव क्रिएट होंगी। व्हेन वी स्पीक समथिंग वी डिस्टर्ब एयर मॉलिक्यूल्स नियर टू अवर माउथ एंड इन रिटर्न द एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब द अदर मॉलिक्यूल्स, एंड इन दिस वे द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू एयर एंड रीच द एयर ऑफ लिसनर एंड प्रोड्यूस द सेम ऑसिलेशन इन अ डायफ्राम ऑफ ईयर एंड सेम साउंड रिपल्सेस आर सेंट टू ब्रेन बाई नर्व्स एंड वी हियर द सेम साउंड। जब हम बोलते हैं तो एयर में डिस्टरबेंस होता है, और ये डिस्टरबेंस धीरे धीरे हमारे कानों तक पहुंचता है, और जैसा हम बोल रहे हैं वैसी ही एनर्जी, वैसी ही आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, वाइब्रेशन कानों तक पहुंचता है, और हमारे कान के अंदर जो नर्व्स हैं या ड्रम है वो उसको कैच करता है और हमको सुनाई देता है। उसी तरह की आवाज सुनाई देती है। टाइप्स ऑफ वेव, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन वेव्स आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स। दो तरह की वेव में क्लासिफाई किया जाता है, एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? द वेव्स विच रिक्वायर ए मेटेरियल मीडियम और देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो जो वेव को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उन वेव्स को मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। ऐसे ही वाटर वेव है, रस्सी के ऊपर बनाई हुई वेव है। तो इस तरह के जो वेव हैं इनको मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम के ये प्रोपगेट नहीं होती। एग्जाम्पल, वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, साउंड वेव, ये सब क्या है? मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर ए मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल, रेडियो वेव, लाइट वेव। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम मैकेनिकल वेव आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की मैकेनिकल वेव होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव, द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव आर कॉल्ड
ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल मीडियम के वाइब्रेट करें, ऑसिलेट करें, तो वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बताया? कि जिस डायरेक्शन में जा रही है वेव, अगर वेव सीधी जा रही है तो उससे ऊपर नीचे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, तो वो ट्रांसवर्स वेव कहेंगे उसे। जैसे वाटर वेव, पानी की लहर जाती है एक साइड में और पानी ऊपर नीचे होता है, यानी पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल है, फिक्स वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द वॉल एंड होल्ड द अदर एंड, नाउ गिव अप एंड डाउन मोशन टू द स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव विल बी प्रोड्यूस्ड। रस्सी को एक सिरे से बांध दें, दूसरी सिरे से उसे झटका दें ऊपर नीचे, तो वेव क्रिएट होती है। तो रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे होते हैं और वेव आगे बढ़ती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नंबर टू, ऑन प्लकिंग ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच ए सितार और वायलन, ये भी ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है। जैसे ये दिखाया है, ये क्या हो रहा है, वेव किस तरह मूव कर रही है, वेव जा रही है ऐसे और स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये किस तरह की वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव। ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, ऐसे वेव जा रही है ऐसे। फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में दो चीज होती है। अब देखिए इधर, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। जो ट्रांसवर्स वेव होंगी उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनेगा। क्रस्ट, द एलिवेशन और हम्प फॉर्म्ड अबव द मीन लेवल ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। ट्रफ क्या है? द डिप्रेशन और हॉलो फॉर्म्ड बिलो द मीन लेवल और द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्रस्ट और ट्रफ के बनने से बनती है। दूसरी तरह की वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, फॉर्म देयर मीन पॉइंट फ्रॉम देयर मीन पॉइंट मीन पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्योंकि पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है। तो वेव अगर ईस्ट में जा रही है तो पार्टिकल कैसे मोशन में होंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। एग्जाम्पल इसका साउंड वेव है। अब ये साउंड वेव कैसे होती है, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से पैदा होती है। कंप्रेशन क्या होता है, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो पार्टिकल वाइब्रेशन करने से आगे पीछे मूव करता है, जब वो आगे मूव करेगा तो आगे के पार्टिकल को प्रेस करेगा तो कंप्रेशन पैदा होगा, और जब प्रेस होने के बाद जब वो फैलेंगे दूर हटेंगे तो रेयरफैक्शन पैदा होगा। तो कंप्रेशन क्या है, द रीजन ऑफ मीडियम वेयर डेंसिटी इज हायर देन द एवरेज डेंसिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन, द रीजन ऑफ मीडियम वेयर डेंसिटी इज लोअर देन द एवरेज डेंसिटी इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। अब यहां देखिए ये क्या है, ये एवरेज डेंसिटी, यहां कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा मीडियम में, तो ये
किस तरह का हो गया? एवरेज। अब यहां कंप्रेशन रिएक्शन पैदा हो रहे हैं, जब कोई वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन होगा तो उसे दबाएगा, दबाएगा तो ये जैसे कंप्रेशन पैदा हुआ, फिर कंप्रेशन जब हटेगा तो ये रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, तो इस तरह ये वाइब्रेशन से क्रिएट हो जाते हैं। जब कोई चीज आगे पीछे होगी तो आगे को दबाएगी, फिर वो पीछे आएगी तो वो दबने वाली चीज है, फिर और आगे बढ़ जाती है, फिर पार्टिकल फैलते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर फैलते हैं, तो इसमें डेंसिटी कम या ज्यादा हो जाती है। जहां डेंसिटी बढ़ गई वो कंप्रेशन, और जहां मीडियम में डेंसिटी कम हुई नॉर्मल से तो उसको बोलेंगे रियर फ्रैक्शन। ऐसे ही साउंड वेव आगे बढ़ती है। वेव्स ऑन अ स्लिंकी। स्लिंकी इज ए लॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग विच कैन बी डिफॉर्म इजीली इफ वी फिक्स वन एंड ऑफ स्लिंकी विद द रिजिड सपोर्ट एंड गिव पुश एंड पुल मूवमेंट एट अदर एंड। कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन विल बी प्रोड्यूस एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विल स्टार्ट प्रोपोगेटिंग इन इट। एंड इफ वी गिव अप एंड डाउन मूवमेंट एट द फ्री एंड देन क्रस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसवर्स वेव एज ए स्टार्ट प्रोपोगेटिंग। अब यहां देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे हो रही है, जब हम इसे खींचेंगे तो पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहे हैं इसमें, इस तरह, तो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन पैदा हो रहे हैं। देखो यहां कंप्रेशन, ये रियर फ्रैक्शन ऐसे स्प्रिंग में पैदा होते हैं। लेकिन जब हम उसको स्प्रिंग को इस तरह ऊपर नीचे मूव करेंगे तो क्रस्ट और ट्रफ पैदा होंगे, तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? व्हेन द साउंड वेव प्रोपोगेट इन अ मीडियम द वाइब्रेशन एंड डेंसिटी एंड प्रेशर फॉर्मिंग कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। अब देखो ये हिस्सा कंप्रेशन वाला है, फिर ये रियर फ्रैक्शन, फिर ये कंप्रेशन, ये रियर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन, तो इसको इस तरह हम ग्राफ में दिखाते हैं। जो क्रस्ट वाला हिस्सा है उसको कंप्रेशन वाला होता है वो, और क्रस्ट वाला ये ट्रफ वाला रियर फ्रैक्शन, क्रस्ट वाला यहां ये कंप्रेशन और ये वाला रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस तरह मीडियम में ये शो होता है। कंप्रेशन आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टूगेदर। कंप्रेशन क्या है? जहां पार्टिकल क्राउडेड टूगेदर हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो दूर दूर होते हैं तो उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में डेंसिटी बढ़ जाती है, रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। अब दो तरह की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। नंबर टू, फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसवर्स वेव के होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज द मेन कैरेक्टर। इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। प्रोपोगेशन वेव इज पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड बट नॉट इन गैसेस।
लॉन्गिट्यूडनल में प्रोपोगेशन ऑफ दिस वेव्स इज पॉसिबल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑल। प्लकिंग द स्ट्रिंग ऑफ वायलिन प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव प्रोड्यूसेस इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये डिफरेंस हो गया, अगर डिफरेंस पेपर में आए तो ये लिख लेना। अदर क्वांटिटीज ऑफ वेव, वेव की कुछ और क्वांटिटीज होती हैं, उनमें है वेव लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड द वेव लेंथ। दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं, यानी एक वेव की जितनी लेंथ होती है उसको वेव लेंथ कहते हैं। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर। वेव नंबर, तो वन अपॉन लैम्डा इज वेव नंबर, तो वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, तो वेव नंबर इज वन अपॉन लैम्डा। इसको पर मीटर या पर सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम द मीन पॉइंट। मीन पोजीशन से वो ऊपर नीचे कितना डिस्टर्ब होता है, डिस्प्लेस होता है, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। इसका यूनिट होती है सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग एनी गिवन पॉइंट पर सेकेंड। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट है हर्ज। जैसे 100 हर्ज का मतलब है वो, 1000 हर्ज का मतलब है कि 1000 वेव ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकंड में। इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू ये ग्रीक लेटर है। फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन क्या होता है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, सिंस फ्रीक्वेंसी न्यू इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट एन वाइब्रेशन इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, बट टाइम टेकन इज कंप्लीट वन वाइब्रेशन इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसलिए फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड इसका यूनिट होती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एडवांसिंग वेव विद टाइम। वेलोसिटी को तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस वहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वहां पर इक्वल माना जाएगा। तो वेव में डिस्टेंस की बजाय आप जब वेलोसिटी यूज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, स्पीड में डिस्टेंस। तो वेलोसिटी वेव की हम निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम करके निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेव यानी लैम्डा अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन टी। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम इन जनरल, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया इज एज फॉलोज। तो
सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है साउंड की, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ वेव में। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज क्वाइट स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इंक्रीजेज विद द राइजिंग टेम्परेचर। सॉलिड में तो नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, लेकिन गैस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। गैस में यानी एयर में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये वेलोसिटी निकालेंगे न्यू लैम्डा करके। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, न्यू इंटू लैम्डा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को इको कहते हैं। व्हेन अ पर्सन शाउट इनटू ए बेल और इनसाइड एनी एम्प्टी हॉल वी हियर हिज ओन साउंड। जब किसी खाली कमरे में या कहीं पहाड़ों में जाएं या कुएं में बोलें तो हमारी आवाज वापस सुनाई देती है। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को बोलते हैं इको। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन का नाम होता है इको। रेंज ऑफ हियरिंग, हमारी सुनने की रेंज क्या है? हमारी सुनने की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक। 20 किलो हर्ट्ज तक यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम की साउंड हम नहीं सुन सकते, ना ही 20,000 से ऊपर की सुन सकते हैं। जो 20-20 हर्ट्ज से कम की साउंड होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। 20 से कम इंफ्रासोनिक और 20 से ज्यादा अल्ट्रासोनिक। नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज वी विच इज नॉट ऑडिबल। अभी जैसे मैंने बताया था 20 से कम होगी तो ऑडिबल नहीं होगी। ऑडिबल साउंड जो होती है वो 20 से 20,000 तक होती है ऑडिबल, और इनऑडिबल होती है 20 से कम और 20,000 से ज्यादा। जो जानवर है वो 20,000 से ज्यादा की आवाज भी सुन सकते हैं। हाथी है वो 20,000 से ज्यादा की भी सुन सकता है और 20 से कम की भी सुन सकता है। जो व्हेल है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालती है, 5 हर्ट्ज हमको सुनाई नहीं देता लेकिन वो सुन सकती है। इसके अलावा रैट्स हैं, बोट्स हैं, मॉथ हैं, डॉल्फिन हैं, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं और ये बहुत उन आवाजों को भी सुन लेते हैं जो हमको सुनाई नहीं देते। 20 हर्ट्ज से ज्यादा की भी सुन लेते हैं और 20 से कम की भी सुन लेते हैं। एक होती है सुपरसोनिक, वर्ड नाम सुना होगा सुपरसोनिक। वी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अल्ट्रासोनिक। सुपरसोनिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक प्लेन और गाइडेड मिसाइल दैट मूव विद वेलोसिटीज हायर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड।
जो साउंड की वेलोसिटी से भी ज्यादा तेज चलती हैं, उनको कहते हैं सुपरसोनिक। ऐसी सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम इज नॉइस फिनोमिनन ड्यू टू शॉक वेव प्रोजेक्टेड आउटवार्ड एंड बैकवार्ड थ्रू द एटमोस्फेयर फ्रॉम द लीडिंग एंड ट्रेनिंग एजेस ऑफ द एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट द सुपरसोनिक स्पीड। अगर कोई एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक है, यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चल रहा है, तो उससे जो वेव क्रिएट होती है उसको कहते हैं सोनिक वेव, सोनिक बूम। और सोनिक बूम जब क्रिएट होता है तो वो दूसरे जो वेव जो एयरक्राफ्ट चल रहे होते हैं, एयरोप्लेन चल रहे होते हैं, उनको बहुत तेज झटका देता है। कई बार वो पलट भी जाते हैं, इधर उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव। द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबव द ऑडिबल रेंज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? दीज वेव्स आर हाईली एनर्जेटिक। दीज वेव्स कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी एप्रिसिएबल लॉस ऑफ एनर्जी। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाई एन ऑब्स्ट्रैक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, और ये बहुत दूर तक भी जा सकती है। साउंड वेव इतनी दूर तक नहीं जाती, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव बहुत दूर तक चली जाती है। एप्लीकेशन ऑफ साउंड, जैसे सोनार है। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये शिप में लगाई जाती हैं, जिससे पानी की गहराई भी पता लग जाती है, और पानी के अंदर कोई पत्थर पहाड़ या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई अंदर सबमरीन आ रही है, उसका भी पता सोनार से लगाया जा सकता है। सोनार क्या है? एक डिवाइस है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, जाती हैं, लौट के आती हैं, ये सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और पता लग जाता है कि कोई चीज कितनी गहरी है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो कितनी दूर है। तो इसका यूज शिप में, सबमरीन में किया जाता है, प्लेन में भी किया जाता है। जैसे इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, तो नीचे लगा रखा है सोनार और उससे पता लग रहा है कि ये सी का बॉटम कितना नीचे है, समुद्र की गहराई कितनी है। सोनार एम्प्लॉयज अल्ट्रासोनिक वेव्स बिकॉज दीज आर हाईली एनर्जेटिक पावरफुल पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आर सेंट एट ए डेफिनेट इंटरवल्स फ्रॉम अ ट्रांसमीटर माउंटेड ऑन शिप। When these pulses strike in distant object at bottom of sea, these get reflected. अब ये गई और आई, कितना टाइम लगेगा उस टाइम के अनुसार कैलकुलेशन करके पता लग जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। तो इस डेप्थ को निकालने के लिए इस तरह यूज करते हैं VT/2, क्योंकि ये डिस्टेंस दो डबल डिस्टेंस इसमें आता है, गया और लौट के आया, तो जाने आने का, इसलिए इसका डिस्टेंस को हाफ कर लेते हैं। इसमें डिस्टेंस डबल यूज किया जाता है, या तो डिस्टेंस हाफ करके लगाइए या डबल डिस्टेंस लगा रहे हैं तो 2D करके उसे लगा दीजिए। स्पीड निकालते हैं ना वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, तो डिस्टेंस को 2D करके लगा दीजिए। एप्लीकेशन सोनार है,
डिस्टेंस, ऑब्स्ट्रैक्शन, ब्लॉक जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशन है। अब जैसे चमगादड़ है, बैट, वो 120 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकती है। रात में जो बैट उड़ती है तो वो आंखों से देख करके ऑब्स्ट्रैक्टल होते हैं वो आंखों से नहीं देखती उनको, वो अल्ट्रासोनिक वेव निकालती है अपने मुंह से और फिर उसे कानों से वापस सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कितनी दूर है और वो मुड़ जाती है, बच के निकल जाती है। इस तरह आप देखिए, वो शिकार भी करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करती है और कितना अच्छा कैलकुलेशन होता है कि वो अल्ट्रासोनिक का यूज करके अपने शिकार को पकड़ भी लेती है। इसका और यूज होता है फॉर डिटेक्टिंग फ्लोज इन मेटल्स एंड अल्ट्रासोनिक सोर्स इज पास्ड अगेंस्ट द पार्ट ऑफ मेटल टू बी टेस्टेड एंड अल्ट्रासाउंड इज पास्ड इनटू द मेटल ब्लॉक। रिफ्लेक्शन और इकोज अकर्स फ्रॉम द ब्लॉक एंड दिस कंटिन्यूअसली इन ऑफ वेलोसिटी। अल्ट्रासाउंड यूज द डिस्टेंस ऑफ हाइडन ऑब्जेक्ट और डेप्थ। ऐसा करते हैं इसका कि इसको हम यूज करते हैं पानी के अंदर या किसी चीजें जहां कोई मेटल ब्लॉक या ऑब्स्टेकल कोई चीज तैर रही है पता करने के लिए, या मेटल की जो दो प्लेट हैं उनके बीच में अगर कुछ कचरा फंस गया है तो अल्ट्रासाउंड भेज करके उनको साफ भी कर देते हैं, जहां पर हाथ से या किसी चीज से साफ नहीं कर सकते हैं। सोनार का एप्लीकेशन है टू डिटेक्ट द लोकेट द पोजीशन ऑफ अल्ट्रा अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स सच एज सी रॉक, संकेंद्री शिप, पानी में डूबे हुए जहाजों के बारे में इसका भी पता कर सकते हैं। सबमर्स्ड सबमरीन, हिडन आइसबर्ग, पानी में जो बर्फ के टुकड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके बारे में भी उनका पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह इनका यूज किया जाता है। ये दो बार हो गया। देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है, ऊपर यहां शिप चल रहा है और नीचे कोई चीज तैर रही है, तो उसको अल्ट्रासाउंड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है और उससे ऊपर कोई चीज यहां तैर रही है, तो इसे हम सोनार का यूज करके पता कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मल ग्रोथ इन बेबी पार्ट्स। जैसे कुछ फीमेल्स अल्ट्रासाउंड कराती हैं जिनके बच्चे होने वाले होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि बेबी की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, कम है, ज्यादा है, या बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई किडनी में स्टोन है या गांठ पड़ गई है, प्रोस्टेट पड़ गई है, तो इस तरह के कैंसर्स वगैरह का भी डिटेक्शन करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है।
म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। म्यूजिकल साउंड क्या होती है? म्यूजिकल साउंड इज प्लीजेंट टू अवर ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूसेस बाई द सितार, वायलन, पियानो, फ्लूट एटसेट्रा। द म्यूजिकल साउंड पॉसेसेस द फॉलोइंग थ्री करेक्टर। जो म्यूजिकल साउंड होते हैं उसमें कम तीन करेक्टर होते हैं। एक होती है पिच, पिच ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन द ब्रेन। अ साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हैज द लो पिच एंड हायर फ्रीक्वेंसी हैज हायर पिच। तो पिच क्या है? पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। जैसे मेरे साउंड की पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। लड़कियों के आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उनकी पिच ज्यादा होती है आवाज की। जैसे रोर ऑफ लॉयन इज लो पिच, वेयर एज द कॉल ऑफ अ कोयल इज हाई पिच्ड साउंड। कोयल की आवाज की पिच ज्यादा होती है, शेर के आवाज की पिच कम होती है। नोट करिए एक बात और है, व्हेन टू म्यूजिकल साउंड्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी दे आर सेट टू बी यूनिसियन। अगर म्यूजिकल साउंड के दो वेव की दो फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसको कहते हैं यूनिसियन। ये भी याद रखना, व्हाट इज यूनिसियन, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप आंसर लिखिएगा इसका। व्हेन टू म्यूजिकल साउंड हैव सेम फ्रीक्वेंसी दे आर सेट टू बी यूनिसियन। लाउडनेस ऑफ साउंड इज द ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है? ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर रहा है कि बहुत तेज आवाज है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया द एट दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट से पर सेकेंड कितनी साउंड एनर्जी निकल रही है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मूव इज मोर इज इट्स लाउडनेस एंड वाइस वर्सा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे आवाज तेज है। देखो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। यहां पर ऐसे देखिए, और आवाज धीमे होगी तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। यहां इसमें देखिए, तो लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फेंट वन व्हेन बोथ हैव सेम पिच। तो लाउडनेस एक प्रॉपर्टी है साउंड की, लाउड साउंड की, जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि फेंट कौन सी आवाज है, तेज कौन सी है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो लाउडनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के। तो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्वालिटी ऑफ टिम्बर इज एट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल साउंड विच डिस्टिंग्विश्ड टू म्यूजिकल साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच बट इमिटेड बाई द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो क्वालिटी है या टिम्बर जिसे बोलेंगे,
तो वो म्यूजिकल साउंड की एक क्वालिटी है जिसे हम अलग अलग करके पहचान सकते हैं कि जिनका पिच लाउडनेस सेम हो तो उसे यूनिसियन तो कहेंगे ही, तो साथ में इसको हम पहचान भी सकते हैं म्यूजिकल साउंड्स के। देखो ये है ट्यूनिंग फोर्क की, अगर इस तरह है गिटार की ये और पियानो की ये, तो एक जैसी इसकी आवाज है। नॉइस, नॉइस इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन इररेगुलरली वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर इररेगुलर कोई वाइब्रेट हो रहा है जो अच्छा नहीं लगे सुनने में, उसको कहते हैं नॉइस। अब देखो अलग अलग तरह की साउंड है और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनकी इंटेंसिटी भी दे रखी है। इंटेंसिटी किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल में। तो जो अगर 10 डेसिबल की आवाज है वो इनऑडिबल है, जैसे पत्ता गिर रहा है सुनाई नहीं देगा, तो इस तरह। और कहां से शुरू होती है हमें सुनाई देना? 30 से, 20 से ऊपर की। अगर 20 तक तो हमें सुनाई नहीं देगी, 20 की भी अगर सुनाई दी तो बहुत कम ऑडिबल, 20 से शुरू होती है। फिर वेरी क्वाइट, लिमिटेड साउंड, फिर इस तरह। इसका अलग अलग एक चार्ट है जो दे रखा है डेसिबल में, हमने 150 डेसिबल तक। तो जहां पर 60 से ऊपर अगर उसकी डेसिबल है, आवाज की तीव्रता है, तो वो वहां से इरिटेटिंग शुरू होता, अच्छा नहीं लगता। 60 तक तो ठीक ठाक लगता है, उससे ऊपर की आवाज कानों को नुकसान पहुंचाती है। अब लास्ट में आते हैं ह्यूमन ईयर। ईयर इज द सेंस ऑर्गन विच रिसीव्स ऑडिटरी वेव्स इन ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ईयर परमिट अस टू कन्वर्ट प्रेशर वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन इन एयर विच ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज 20 to 20,000 Hz इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच ट्रेवल टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। जब साउंड हमारे कान में आती है तो ईयर ड्रम उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ब्रेन तक पहुंचती है और हमें पता लगता है कि हम सुन रहे हैं। कान का स्ट्रक्चर, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड ईयर कैनाल। पिन्ना कलेक्ट द साउंड वेव फ्रॉम द सराउंडिंग, द साउंड वेव सो कलेक्टेड पास थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। वेन कंप्रेशन ऑफ मीडियम रीचेज द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस, देयर बाई इट forces the eardrum inward, and when rarefaction of the medium reaches the eardrum, the force of the eardrum outward. Thus, in this way, the eardrum start vibrating. The vibration of the eardrum are amplified, increasing the strength of the signal without alternating its character. Several times by three small bones called hammer, anvil and strip in the middle ear. The amplified pressure vibrating from sound wave are transmitted by the middle ear to the inner ear. In inner ear, cochlea converts the pressure vibration into electrical signal.
द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो प्रोड्यूस आर इंटेंस इंस्टेंटली सेंट टू द ब्रेन बाई ए ऑडिटरी नर्व एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल एज साउंड। ये कान का है, इसको कहते हैं पिन्ना। ये आवाज को कलेक्ट करके यहां अंदर भेजता है ईयर कैनाल में, ईयर कैनाल से आगे आता है यहां पर ईयर ड्रम। यहां पर तीन बोन कनेक्ट रहती हैं, एलोवेल, स्ट्रिप और हेबर। जब ये ईयर ड्रम का ईयर ड्रम है, ये वाइब्रेट करता है साउंड से, तो ये वाइब्रेशन यहां बोन तक जाते हैं, बोन से कॉकलिया तक जाते हैं। कॉकलिया में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन हमारा उस डिस्टरबेंस को एज ए साउंड समझता है, इस तरह हमें सुनाई देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। दोबारा समझना है आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं और इसमें जितनी भी चीजें दिखाई हैं लिखी हुई हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप वीडियो रिपीट कर करके देखिए, याद हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।